हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी सर्किट में, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। और दोस्तों, नॉर्मल ट्रांसफार्मर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के डिफरेंस के बारे में भी समझेंगे और इसके बाइंडिंग वोल्टेज सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। आज के इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। अगर कोई आप टेक्निकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू में या फिर कोई टेक्निकल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है क्या है, बाइंडिंग का रेशियो क्या होता है, ये प्रोटेक्शन के बारे में भी पूछ सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में क्लियर होगा कि ये होता क्या है, इसका यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर काफ़ी डिफरेंस होता है। दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है हमारा, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग ही होते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में, लेकिन दोस्तों जो बाइंडिंग का रेशियो होता है, जो टर्न होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, तो उसके प्राइमरी में बाइंडिंग का रेशियो कुछ और होगा और सेकेंडरी में बाइंडिंग का रेशियो कुछ और होगा। यानी कि प्राइमरी में जो बाइंडिंग का टर्न होगा वो कम होता है और सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग का रेशियो होगा वो सेम होता है, यानी कि प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी सेम होता है। सपोज मान लीजिए कि प्राइमरी में N1 बराबर 100 टर्न है, तो आपको N2 में यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग में भी आपको 100 टर्न ही मिलेंगे। दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में बाइंडिंग का जो टर्न होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, तो उसमें टर्न का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्राइमरी में टर्न कम होते हैं लेकिन सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों, वोल्टेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसके वोल्टेज में भी डिफरेंस होता है। यानी कि इनपुट में हम 11 kV देंगे, आउटपुट में हमको 440 वोल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, इसके बीच में, इसके वोल्टेज में भी डिफरेंस होता है। इनपुट में यानी कि प्राइमरी में अगर 230 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में भी 230 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है, सेम होता है। अगर इनपुट में 220 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में भी 220 वोल्ट ही मिलेगा। अब दोस्तों, यह आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दोस्तों लगाने का पर्पज़ क्या होता है। दोस्तों, पहला तो इसमें सेफ्टी बहुत सारे हमको मिल जाते हैं। पहला दोस्तों जो होता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है वोल्टेज का। अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है किसी भी सर्किट में, जिसकी वजह से इक्विपमेंट ख़राब हो जाते हैं, तो दोस्तों इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जबकि अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें फ्लक्चुएशन होता है। इसमें दोस्तों वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों, पहला तो प्रोटेक्शन ये होता है कि इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, इसमें शॉक नहीं लगता है। अगर कोई ह्यूमन बॉडी सेकेंडरी साइड में अगर गलती से भी अगर फेस और न्यूट्रल अगर टच हो जाता है तो इसमें अब आदमी को विद्युत का झटका नहीं लगेगा। यह पूरी तरीके से सेफ होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें सिस्टम क्या होता है कि हमने प्राइमरी में 230 वोल्ट दे दिया और जो उसका न्यूट्रल, न्यूट्रल भी दे दिया और उसका जो न्यूट्रल है वो हमने अर्थ के साथ ग्राउंड कर दिया। अब दोस्तों, आउटपुट में आप फिगर में देख रहे होंगे, आउटपुट में हमको फेस और न्यूट्रल नहीं मिलता है, इसमें L1 और L2 मिलता है। वही दोस्तों फेस और न्यूट्रल होते हैं, दोनों में फेस आते हैं, लेकिन जो L2 में जो फेस का स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। हम उससे कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं या फिर दोस्तों इससे इक्विपमेंट नहीं, टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट होते हैं उनको टेस्टिंग के लिए होता है, उनकी सप्लाई के लिए होता है। जितने भी हमारे मेडिकल लाइन में मशीनें यूज होते हैं दोस्तों, उसमें भी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये शॉक प्रूफ होता है, इसमें शॉक नहीं लगता है। और दोस्तों, आप इसमें फिगर में देख रहे होंगे कि जो इसमें स्पाइक वोल्टेज होता है इसको भी रिड्यूस करता है। और अगर सर्किट में फ्लैशिंग हो रहा है या फिर किसी प्रकार का चिंगारी इसमें आ रहा है या फिर किसी प्रकार का नॉइस हो रहा है, आवाज़ हो रहा है, उसको भी पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है। दोस्तों, ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होता है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर में दोस्तों नॉइस होता है, अगर फ्लैशिंग हो रही है तो उसको भी ख़त्म नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है
इसमें जो अगर नॉइस हो रहा है एक्स्ट्रा या फिर फ्लैशिंग हो रहा है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, स्पाइक वोल्टेज को कम कर देता है। दोस्तों बहुत सारे इसमें फीचर्स होते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।